नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तनवन धन में। दोस्तों, आज मैं आपको गोदरेज के शिकाकाई सोप के बारे में बताने वाला हूं। इस साबुन को बनाने में तीन ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो बालों को पोषण देती हैं। इस साबुन का इस्तेमाल बालों की अनेक समस्याओं में किया जाता है और इसे चेहरे या शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये 75 ग्राम का पैक है और ये आपको मिल जाता है सिर्फ 20 रुपये में। किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर किराना की दुकान से इसे आप इजीली ले सकते हैं। इस साबुन की खुशबू के बारे में बताऊं तो आंवला के तेल की जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। अब इसे ओपन करके भी देखते हैं, तो इसे अगर ओपन करके देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक ऑरेंज कलर का सोप है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है सोप की। और अगर इसके बैक साइड देखें तो यहाँ पर ये गोदरेज लिखा हुआ है। अगर आपके बालों में रूसी डेंड्रफ की बहुत ज़्यादा समस्या है या फिर बाल टूटते रहते हैं तो इस साबुन का इस्तेमाल करके आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस साबुन का मेन इंग्रेडिएंट है शिकाकाई और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिकाकाई है और बैक साइड भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, शिकाकाई का मेन काम होता है कि ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। इसके प्रभाव से जूं भी मर जाती है और बालों के रोम छिद्रों में जाकर ये बालों की जड़ों को मजबूत करने वाली एक औषधि है। और इसी के साथ इस साबुन में आंवला भी है जो बालों को मुलायम बनाएगा और बालों में चमक लाता है। इसका तीसरा इंग्रेडिएंट है भृंगराज जो रूसी को रोकने वाला है और बालों को मजबूती और बालों की मोटाई को बढ़ाने वाला है। इस तरह से ये तीन चीज़ें हमें एक साथ एक ही साबुन में मिल जाती हैं और वो भी सिर्फ 20 रुपये में। बहुत ही अच्छा ये मैं कहूँगा कि 20 रुपये में आपको एक साथ ये तीन मिक्स की हुई चीज़ें मिल जाते हैं। आयुर्वेदिक साबुन है, कोई केमिकल वगैरह इसमें यूज नहीं किया गया और जो ज़रूरी केमिकल्स होते हैं एक साबुन बनाने में उन्हीं केमिकल्स का यूज़ करके इस साबुन को बनाया गया है। इसके अलावा ये साबुन उन शैम्पू से भी बहुत ही अच्छा है जिन शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और हम उन शैम्पू का यूज़ करते हैं और उनका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हमारे बालों पर भी देखने को मिलता है। अगर आप इस सोप को एक बार भी इस्तेमाल करके देखेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस साबुन को जब आप यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये झाग बहुत बनाता है। जैसे आप बाल गीले करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आपको झाग मिलेंगे और इसके यूज के तुरंत बाद ही आपके बाल सॉफ्ट भी हो जाते हैं। दोस्तों, इसे यूज करने के बाद आपको किसी भी प्रकार के कोई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि नेचुरल कंडीशनिंग का काम ये सोप करता है। दोस्तों, अगर आप भी बालों की अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आप भी इस साबुन को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे इस साबुन का इस्तेमाल भारत के अनेक घरों में किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इस साबुन पर विश्वास भी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा साबुन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस साबुन का आपने पहले यूज़ किया है या फिर करते हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिला उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।